हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी को मेरी तरफ से, जॉइन फिल्म्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि इस बार हम बनाएंगे मिशन 2020 कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके लिए समझना ये जरूरी है कि क्यों सिर्फ 5% लोग ही फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाते हैं, 95% नहीं हो पाते। क्यों 95% ऐसे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं, उस फैमिली से, उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, लेकिन 5% दूर दराज छोटे गांव से, शहर से निकल के लोग आते हैं और यहां पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों 5% नॉर्मल से दिखने वाले कदकाठी के लोग यहां पर सक्सेसफुल हो जाते हैं और 95% ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखने वाले लोग यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों 95% ऐसे लोग जिनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, कमाल के एक्टर हैं, कमाल के टैलेंटेड राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और 5% ऐसे लोग जिनको बेसिक नॉलेज है, उसके बाद भी इंडस्ट्री में जम जाते हैं। यही पूरी चीजें बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में कि ये कैसे होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले, मैं जानता हूं 95% लोग पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन ये वीडियो मैं उन 5% के लिए बना रहा हूं जो बॉलीवुड में वाकई सिंसियरली आना चाहते हैं, पैशनेट है अपने प्रोफेशन को लेकर और सक्सेसफुल मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज का वीडियो पूरी तरह से अलग है क्योंकि यह है मिशन 2020। यह पूरी तरह से आपकी जिंदगी को बदलने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप वो 5% के सक्सेसफुल रेशियो में शामिल होने का सफर शुरू कर चुके हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये जो 5% लोग हैं ये बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत ही लकी हैं, लेकिन ये किस्मत कैसे बनती है ये बताऊंगा आज आपको फुल प्रूफ प्लान के साथ। इसके लिए आपको 5 आदतें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, क्योंकि हम जो भी बनते हैं अपनी आदतों की वजह से बनते हैं। तो जो हैबिट नंबर 1 है, आदत नंबर 1 है, वो है अपने प्रोफेशन पे रोज काम करना। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ और बहुत से सवालों को देखता हूँ अपने कमेंट बॉक्स में या ईमेल पे। वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें चांस मिल जाए, लेकिन चांस के अलावा अपने प्रोफेशन पर कभी भी काम नहीं करते हैं। इसकी भी आपको आदत डालनी पड़ेगी और कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। सिर्फ 20 मिनट निकालिए रोज। अगर आप वाकई सिंसियर हैं, अगर आप वाकई पैशनेट हैं, अगर आप वाकई उस 5% में शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ 20 मिनट निकालिए, अदरवाइज आप अपने आप से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अब 20 मिनट में करना क्या है? 20 मिनट में से 10 मिनट आप जॉइन फिल्म्स के वीडियो देख सकते हैं। 100 नहीं 200 नहीं 1000 से ऊपर वीडियो अवेलेबल हैं। आपको उससे एक पूरी की पूरी सोच मिलेगी कि इंडस्ट्री में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो होता है, उस वीडियो को पूरा देखिए, इसको आदत में शामिल कीजिए। हर सुबह 9 बजे ये वीडियो आता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, नहीं तो ये वीडियो हमेशा आपसे मिस होते रहेंगे। 10 मिनट आप वीडियो देखेंगे और 10 मिनट आप पर्सनली अपने उस प्रोफेशनल आर्ट पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टर हैं तो मोनोलॉग परफॉर्म कीजिए। आजकल स्मार्टफोन आपके पास अवेलेबल है, उसको परफॉर्म कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए, उसको फेसबुक पर डालिए। अभी अभी हमने एक कॉन्टेस्ट रन किया था जो अभी एंड हो चुका है, लेकिन इस तरह कॉन्टेस्ट हम रन करते रहेंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, अपनी स्टोरी को नरेट करके रिकॉर्ड कीजिए, इससे आपकी नरेशन की हैबिट अच्छी हो जाएगी। अगर आप फिल्म मेकर हैं, 10 मिनट जो भी आप फिल्म बनाना चाहते हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि एक दिन जब पैसा आएगा, एक दिन जब चांस मिलेगा तब मैं करूँगा। मैंने कहा ना, हम अपनी आदतों की वजह से ही कुछ बन पाते हैं। तो आप आदत डालिए कि 10 मिनट मैं अपने उस आर्ट पर काम करूंगा हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, उन एप्लीकेशन पे बेसिक एडिटिंग करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उनको देखना शुरू कर दीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिकली। मतलब ये कि 10 मिनट एक तरह से आपका थ्योरी लेसन हो गया और 10 मिनट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। तो पहली आदत है कि आपको रोज अपने प्रोफेशन पर मिनिमम 20 मिनट काम करना है, तभी आप सिंसियर हैं, तभी आप पैशनेट हैं। हैबिट नंबर 2, जो दूसरी आदत आपको डेवलप करनी है, वो ये है कि अपने प्रोफेशन के लिए आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट को सेव करना शुरू कर दीजिए। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि पैसे जमा करने की क्या जरूरत है। बहुत जरूरी है। जब पैशन आपका है, ड्रीम आपका है, तो उसके लिए
फंड का इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग के पर्पज से हो सकता है, वो प्रोजेक्ट के लिए आने जाने की वजह से हो सकता है, वो अपनी कहानी को सही से रजिस्टर कराने के लिए हो सकता है, वो फिल्म मेकिंग के लिए कुछ टूल्स परचेज करने के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पैसे की फंड की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आज से सेविंग करना शुरू कर दीजिए। आपको ये भी लगेगा कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो कहाँ से पैसे लाऊंगा, पैसे जब जब जिस जिस चीज़ के लिए आपने चाहे हैं आपको मिले हैं। अगर आप बहुत महंगा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो कम कीमत का एक फ़ोन ले लीजिए, उस पैसे को बचा के रखिए। अगर महंगे कपड़े खरीदते हैं उसमें से थोड़े से पैसे बचा लीजिए। ड्रीम आपका है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं किसी और प्रोफेशन में हैं तो ये काम और आसानी से कर सकते हैं। होता दरअसल ये है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं या इंतज़ार करते हैं कि एक दिन पैसों का इंतज़ाम होगा और मैं चला जाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये दिन कभी नहीं आ पाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इससे वंचित रह जाएं। तो आज से आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करिए। तो ये थी आदत नंबर दो, मतलब कि आपको अपनी सेविंग करनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आगे आप अपने प्रोफेशन में करेंगे। आदत नंबर तीन यानी हैबिट नंबर थ्री है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। हम किसी भी कदकाठी के हों, रंग रूप के हों, कैसे भी हों, लेकिन हमको पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, हमारे लुक को हमें चेंज करना है। ये सिर्फ मैं एक्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज की ये जो सारी आदतें मैं आपको बता रहा हूँ किस्मत बदलने वाली, ये सभी प्रोफेशन में काउंट होती है। आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को कैरी कर सकते हैं, इससे आपका इंप्रेशन पड़ता है। आप अगर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, किसी भी प्रोफेशन में, तो आपकी मुलाकात किन लोगों से होगी? इस इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से। तो जब वो आपको देखेंगे तो आपका एक इंप्रेशन पड़ना चाहिए। आपका टैलेंट तो वो बाद में देखेंगे, पहले आपका लुक देखेंगे, आप कितने साफ सुथरे हैं, कितने प्रॉपर दिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये लुक एक दिन में चेंज नहीं होता। अगर आपके माइंड में ये आता है कि एक दिन मुंबई जाऊंगा लुक चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपकी समझ बदलती है। कौन से कपड़े मेरे पर अच्छे लगते हैं, कौन सा हेयर कट मेरे पर अच्छा लगता है, किस तरह की ड्रेसेस मेरे पर फपती हैं, वो सब धीरे धीरे समझ में आता है, एक बार में समझ में नहीं आता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ। हमारी स्टूडेंट हैं जो कि ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में आई थी, नीतू बैरागी। ये लुक इनका देखिए, ये जब पहली बार आई थी मुंबई तो ये लुक था। उसके बाद इन्होंने कोर्स किया कैमरा एक्टिंग का, जो यहाँ पर प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग कोर्स होता है वो किया जॉइन फिल्म्स एकेडमी में। तो ये सारी बातें हम उसमें भी सिखाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाते, एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाते हैं, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल का माइंडसेट बनाते हैं। तो नीतू का देखिए, आप इतने दिनों में ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे भैंस बोला? ये एक समय के साथ होता है। तो क्या ये बात अच्छी नहीं होगी कि आज से आप इस पर काम करना शुरू कर दें, ताकि जब भी मुंबई में आए आपका लुक बहुत अच्छा हो चुका हो। तो ये थी हैबिट नंबर थ्री मिशन 2020 के लिए। अब हैबिट नंबर फोर, एक चौथी आदत आपको डालनी है, वो ये कि सवाल पूछिए। अभी तक आप सिर्फ चांस का इंतज़ार करते हैं, राइटर के तौर पर, फिल्म मेकर के तौर पर, सिनेमाटोग्राफर के तौर पर, एडिटर के तौर पर, एक्टर के तौर पर। वो चांस का इंतज़ार करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मन में सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को पूछना शुरू कीजिए, और उससे पूछिए जो उसका जानकार है। ये भी बहुत आसान है, इसको कैसे करना है मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। जो सवाल आपके मन में आता है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, उसको आप टाइप कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में, और साथ में जॉइन फिल्म्स की थोड़ी सी ताकत को लगा दीजिए। एकदम गूगल की तरह काम करेगा ये, और आपको आपके सवाल के जवाब के रूप में एक ना एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं, आपको नहीं मिल पा रहा वीडियो, दूसरा ऑप्शन देता हूँ, जॉइन फिल्म्स की डेडिकेट जो सपोर्ट टीम है, बॉलीवुड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स में सपोर्ट टीम आपके हर क्वेश्चन का हल आपको बताएगी, आपको प्रॉपर गाइड कर देगी कि आपको अपने करियर में कैसे आगे जाना है। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बच जाता है तो हर सैटरडे को, मैं इतने सालों से एक लाइव करता हूँ वीकली, तो सैटरडे को 5 बजे आप मुझसे डायरेक्ट वो सवाल पूछ सकते हैं। अब सवाल आपके होंगे, जवाब उन लोगों के होंगे जो जानकार हैं, क्योंकि वीडियो में मेरे साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। फिर सपोर्ट टीम आपके पास है जिसको आप कॉल कर सकते हैं 8433666618 पर, या फिर सैटरडे लाइव में आप डायरेक्ट जुड़ के भी पूछ सकते हैं। तो ये थी आदत नंबर चार यानी कि क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। हैबिट नंबर फाइव है सेल्फ एनालाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। 95% जो लोग सक्सेसफुल नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, दिक्कत यही है कि वो सेल्फ एनालाइज नहीं करते कि दिक्कत कहाँ पे, क्या वो गलत डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं, या फिर उनको सही लोगों से मिलना चाहिए। जब आप सेल्फ एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ।
मैं कैसे प्रोफेशनली इसको सीख सकता हूँ, ये आप तभी जान पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, डोर ओपन करते हैं, ऑडिशन चल रहे हैं क्या, और ऐसा काम वो सालों साल से लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी अप्रोच प्रोफेशनल नहीं है। या फिर कई राइटर्स आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी स्टोरी है, आप पढ़ लीजिए। वो प्रोफेशनली लिखी नहीं होती है, सिनॉप्सिस प्रॉपर नहीं होता है, उनको नरेशन करना नहीं आता है। ये सारी स्किल सीखी जा सकती हैं। तो आप भी अगर सालों साल से परेशान हैं मुंबई में आने के बाद और आपको आपके हिसाब से आउटकम नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार 5 मिनट के लिए सेल्फ एनालाइज कीजिए। फिर भी डाउट दूर नहीं होता है, आप सपोर्ट टीम से 8433666618 पर पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी किस्मत खराब नहीं है, इसका मतलब साफ है कि आपका डायरेक्शन गलत है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गलत दिशा में ले जा रही, दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। तो सेल्फ एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आता है फौरन जॉइन फर्म्स की सपोर्ट टीम से आप पूछ सकते हैं। ये जो हैबिट नंबर 5 है ना, सेल्फ एनालाइजेशन वाली और उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी बनाने वाली, सबसे अच्छी इंप्लीमेंट की है अक्षय कुमार ने। जब वो आए थे तो लोग कहते थे कि उनको एक्टिंग नहीं आती, जो वाकई काफ़ी हद तक सही भी था, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करना शुरू किया। फिल्मों में डांस उनको नहीं आता था, डांस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाई, उसको करना शुरू किया। उसके बाद जब एक्शन फिल्मों का दौर खत्म हो रहा था, उन्होंने फिर से सेल्फ एनालाइज किया कि अभी कॉमेडी फिल्म चल रही तो कॉमेडी स्किल उन्होंने डेवलप की। फिर उसके बाद अप्रोच बदली, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अप्रोच किया, तब जाके वो यहाँ पर आज तक सुपरस्टार बने हुए हैं, जबकि उनके दौर के बहुत सारे एक्टर आज दिखाई भी नहीं देते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बात पक्की है कि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपसे ये दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर ये 5 आदतें आपने डाल ली अपने अंदर, आपकी किस्मत फौरन बदल जाएगी। अगर आप मुंबई में रहते हैं, सालों साल से परेशान हैं, इन 5 स्टेप को बस इंप्लीमेंट करके देख लीजिए। अगर आप मुंबई के बाहर रहते हैं तो आदत में डालिए कि 1 साल तक मैं इन 5 आदतों को बना के रखूंगा। उसके बाद तो आपका माइंडसेट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इसको करते रहेंगे और आप जिंदगी में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप बॉलीवुड में आने के लिए सक्सेसफुली एक प्लान कैसे बनाएं, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं और उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल पाए। ये वीडियो था सक्सेस प्लान टू जॉइन फिल्म्स। मेरा जॉइन फिल्म्स का यही मिशन है, आपसे बार बार शेयर करता हूँ, आज फिर से शेयर कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में अगर कोई आना चाहता है तो हम उसको इतना मोटिवेट करें, इतना डायरेक्शन दें, इतना एजुकेट करें, इतना ट्रेन करें कि ना तो वो घबराए ना उसके परिवार वाले घबराएं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर ये 5 स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करी तो आप भी इस 5% वाले सक्सेस वाले सर्कल में ज़रूर आ जाएंगे। आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों, फिल्म इंडस्ट्री में इतने कामयाब हों कि एक दिन मैं आपका इंटरव्यू लूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइएगा, साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ये इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे। आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को जानते हैं जो सालों साल से परेशान है, मुंबई में रहते हैं या फिर मुंबई जाके इस इंडस्ट्री में जमना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही आपका एक बेस्ट गिफ्ट होगा अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव के लिए इस न्यू ईयर पर। अगले वीडियो पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।